नमस्ते एवरीबॉडी फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड पीपल के लिए है। आप हो सकता है फिनेंशियली बहुत ज़्यादा चैलेंज्ड हैं और आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट मॉरली या सोशली नहीं है। तो ऐसे व्यूअर्स दोज़ आर टू मच एंक्शियस ऑफ देयर फ्यूचर, जिन्हें लगता है जो वरीड हैं अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस के लैकिंग में और साथ साथ लाइफ में कोई पर्सन ना होने के लिए भी। एज आपका जो भी है फ्रेंड्स, इस रीडिंग से चाहे आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हैं, जिस भी एज ग्रुप में आप हैं, बताई हुई सिचुएशंस अगर आपको लगता है आपके साथ की हैं फ्रेंड्स, तो इस रीडिंग से लेट्स अंडरस्टैंड आपके साथ क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किन चीज़ों पर आपको वर्क करना चाहिए और अगर वर्क करते हैं तो फिर आपका फ्यूचर कैसा है। तो फ्रेंड्स, आप रिलैक्स्ड हो जाएं, गॉड को याद करें और कुछ क्वेरीज, इंपॉर्टेंट क्वेरीज को अपने माइंड में रखते हुए इस रीडिंग को देखें फ्रेंड्स। ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड प्लीज। देखिए फ्रेंड्स, इस वक्त आपके साथ लाइफ में हर्डल्स चल रही है जिसमें आपको रास्ता अपना समझ नहीं आ रहा है कि विच पाथ यू शुड फॉलो। तो लेट्स सी ये क्यों चल रहा है। यस फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कुछ जाने अनजाने में आपको ट्रिगर्स मिले हैं। दिस इज़ लाइक कोई रिलेशनशिप है, द मून है फ्रेंड्स, रिलेशनशिप है जिसमें फ्रेंड्स आपके साथ कुछ मिसहैप हुआ है, हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है। और फ्रेंड्स एक तरह से ये कर्माज का रिवर्ट है फ्रेंड्स। हो सकता है आपसे कुछ जाने अनजाने में रॉन्ग हुआ है जिसका कर्मा आपको मिल रहा है इस वक्त। बट फ्रेंड्स, गुड थिंग इज़ ये जजमेंट कार्ड है, तो यहाँ जो सेंट हैं, सेंट निकोलस, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स आपको। और जिन पीपल ने आपके साथ गलत किया है फ्रेंड्स, उनके लिए ये एक अलार्म कॉल है। फ्रेंड्स, आप एक डिवाइन चाइल्ड लग रहे हैं जिसे लाइफ में ट्रिगर्स मिले हैं, इमोशनली सपोर्ट नहीं मिला है, ट्रिगर्स मिले हैं। बट गॉड इज़ विद यू फ्रेंड्स, गॉड हैं आपके साथ। नाउ लेट्स सी फ्रेंड्स, आपको क्या करना चाहिए। 5-5 नंबर है फ्रेंड्स। कॉन्फ्लिक्ट ना करें, आर्ग्यूमेंट ना करें, झगड़ा ना करें किसी से भी। और आप फ्रेंड्स एक्चुअली वाइज बने, लिटरेचर कुछ ऐसा पढ़ना स्टार्ट करें जो कि स्पिरिचुअल है, और उसको पढ़ करके उसको फॉलो करना सीखें। लेट्स सी आपका फ्यूचर क्या है। फ्रेंड्स, फ्यूचर में तो नज़र आ रहा है यू हैव सम लाइफ पार्टनर, कोई पार्टनर है आपके साथ, कार्मिक सोलमेट जैसे पर्सन होंगे आपके फ्रेंड्स। ये द वर्ल्ड टू ऑफ कप्स, कार्मिक सोलमेट्स से मीनिंग है फ्रेंड्स आपका इनके साथ कोई भी बैड अकाउंट कैरी नहीं होगा। और यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गए हैं फ्रेंड्स, इट मीन्स आप अपनी पावर में भी होंगे इन फ्यूचर। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, फ्यूचर आपका अच्छा है। ये जो हार्डशिप चल रहा है फ्रेंड्स, द वर्ल्ड कार्ड आ गया है, मेजर अरकाना का आखिरी कार्ड है 21। सो 3 नंबर है फ्रेंड्स, जुपिटर का नंबर है, जुपिटर फैमिली और फैमिली के सपोर्ट को बताता है फ्रेंड्स। तो यहाँ आपके साथ आपके पार्टनर भी हैं फ्रेंड्स, और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जीज में होंगे इन फ्यूचर फ्रेंड्स। इस वक्त आपकी लाइफ में जो समय चल रहा है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत लकी है आपके लिए। कूल cool.
तो फ्रेंड्स देखते हैं सबसे पहले द मून और जजमेंट, ऐसा क्या ट्रिगर मिला है आपको रिलेशनशिप वाइज जिससे आपकी लाइफ का डायरेक्शन ही बदल गया है, डायरेक्शन ही आप खो बैठे हैं। टेन ऑफ सॉर्ट्स है फ्रेंड्स, कुछ धोखा है फ्रेंड्स आपके साथ, कुछ धोखा हुआ है, बैक स्टेप हुआ है, किसी ने आपको बुरी तरह चीट किया है फ्रेंड्स। अब फ्यूचर भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, द वर्ल्ड टू ऑफ कप्स क्या बताना चाहते हैं। फोर ऑफ सॉर्ट्स द फूल, यस फ्रेंड्स, जो भी आपके साथ हुआ है बैक स्टेप, जिसको आपने सरेंडर किया है, बहुत ज़्यादा आपने पेन बेयर किया है, बर्दाश्त किया है, द फूल है फ्रेंड्स। दिस इज़ लाइक सभी तरह के कर्माज तो फिनिश होंगे ही, और दिस इज़ अ साइन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक नए पर्सन आपको मिलेंगे लाइफ में। आई एम सॉरी फॉर दैट साउंड। और द फूल है तो दिस इज लाइक अ न्यू बिगिनिंग। तो फ्रेंड्स दिस वे दिस विल बी अ न्यू पर्सन। नाउ लेट्स सी फाइव ऑफ वॉन्ट्स द हायरोफेंट, दोनों फाइव नंबर हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फाइव नंबर मर्करी का है फ्रेंड्स, मर्करी आपके अंडरस्टैंडिंग थॉट्स को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ जो एडवाइस आया है दिस इज़ लाइक बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना करें, स्पिरिचुअल पर्सन बने, रीडिंग की हैबिट्स ग्रो करें, और साथ साथ फ्रेंड्स थोड़ा स्पिरिचुअल भी लिटरेचर स्टार्ट करें। अब देखते हैं फ्रेंड्स द हायरोफेंट एंड फाइव ऑफ वांड्स का मैसेज क्या है। कॉर्नोकोपिया, डिसीट, सेकेंड चक्र, आर्कएंजल एरियल। कॉर्नोकोपिया इज डबल वन फ्रेंड्स, इट मीन्स फ्रेंड्स अब आप लाइफ में जिनसे भी रिलेटेड हैं उनके साथ ट्रांसपेरेंसी रखें और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखें, हारमोनी रखें। फाइनेंसिस वाइज फ्रेंड्स देर इज़ अ गुड न्यूज़, यहाँ नाइन ऑफ पेंटिकल्स से आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई है, व्हील ऑफ फॉर्चून से स्टार्ट हुआ है। बट लेट्स पिक अनदर कार्ड, एक कार्ड और ले लेते हैं। दिस विल टेल अबाउट दी फाइनेंसिस, फाइनेंसिस का आपका क्या रहने वाला है इन फ्यूचर। फोर ऑफ कप्स है विद एस ऑफ कप्स, फोर नंबर है फ्रेंड्स, और फोर नंबर जिस तरह आपकी रीडिंग में आ रहा है, फोर नंबर राहु का नंबर है, वेल्थ के स्टेटस को बताता भी है लाइफ में। बट फ्रेंड्स एस ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, फाइनेंशियली फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लग सकता है, बट देर इज ए गुड न्यूज़ फ्रेंड्स ओवरऑल, ठीक है। फाइनेंशियली कुछ क्लैरिटी इसमें ज़्यादा नहीं आ रही है, रिलेशनशिप को लेकर के इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, बट हाँ क्वीन ऑफ वांड्स हैं तो इसका मतलब है आप एक अच्छे डेजिग्नेशन पर तो होंगे इन फ्यूचर, जिसकी लाठी उसकी भैंस कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपके पास फाइनेंसेस भी अच्छे ही होंगे, नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ हैं। एक कार्ड लेते हैं फ्रेंड्स वंस मोर उन व्यूअर्स के लिए जो फाइनेंसेस वाइज ही अपने आप को सेटल्ड देखना चाहते हैं। सेवन ऑफ वांड्स आया है फ्रेंड्स, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीफ, हैव कॉन्फिडेंस, चैलेंज दोज इन पावर, बट ऑल्सो चूज योर बैटल्स वाइजली। फ्रेंड्स आप अपनी स्किल्स को सामने लेकर आएं, इनको हाइड ना करें, और जो आपसे जो आपको रोकते हैं फ्रेंड्स, आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें, बट ऑल्सो चूज योर बैटल्स वाइजली, लेकिन आपको जो करना है उसको वाइजली भी करें। रीडिंग तो ट्रिगर्ड व्यूअर्स के लिए है फ्रेंड्स, बट जो समझ आ रहा है दिस इज़ लाइक जो भी आपके साथ बैक स्टेप हुआ है फ्रेंड्स, इसकी भरपाई हो चुकी है, होने ही वाली है, और इन फ्यूचर आपके कार्मिक सॉलमेट भी आपको मिलेंगे। फाइनेंसिस वाइज भी फ्रेंड्स क्वीन ऑफ वांड्स का मैसेज नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ है, आपके पास फाइनेंसिस भी अच्छे ही होंगे। ऑल राइट, तो अब आप एंजल से एक क्वेश्चन अपने लिए यस और नो टाइप कर रखें।
क्वेश्चन आपका पॉजिटिव वे में होना चाहिए फ्रेंड्स। देर इज समथिंग बेटर, ट्रस्ट, बिग हैप्पी चांसेस। इट मीन्स फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन है, जो भी आप सोच रहे हैं, उससे कुछ बेटर है आपके लिए। जिस तरह आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, उससे भी कुछ अच्छा ही है आपके लिए। बस आप अपने आप पर ट्रस्ट रखें। एक प्रेडिक्शन और ले लेते हैं फ्रेंड्स, आपके फ्यूचर को लेकर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर था, देर इज़ समथिंग बेटर। इट मीन्स फ्रेंड्स, आपने जो सोचा है दैट्स गुड, वो भी अच्छा है, बट देर इज़ समथिंग बेटर का मीनिंग है आपको कुछ सोचना ही नहीं है। इट्स अप टू यू, अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट टाइमिंग। तो फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो आएगी, ये गोल्ड स्काई से पोर हो रहा है, तो इस तरह आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी फ्रेंड्स। परफेक्ट टाइमिंग आने पर ये होगा आपके साथ। परफेक्ट टाइमिंग में यहाँ टाइमर है फ्रेंड्स, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। वैसे भी यहाँ जजमेंट है, फ्यूचर आपका द वर्ल्ड है, तो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और परफेक्ट टाइमिंग आने पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी फ्रेंड्स। और अपॉर्चुनिटी का मीनिंग है फ्रेंड्स, फाइनेंसेस बरसेंगे, ईश्वर की कृपा बरसेगी फ्रेंड्स। नंबर 1, 2, 9, 5, 3 आपसे रिलेवेंट हो सकते हैं फ्रेंड्स, ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं आपके। ऑल राइट फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू।